हे गाइज, आज हम एक वीडियो करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपना गिटार लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहें तो हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई भी गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार, फुली अकूस्टिक गिटार या इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार, कोई भी। मैं आपको सबका वे बताऊंगा। मेरे पास जो भी गिटार है वो है फेंडर का SA-105CE, ये इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार है, ठीक है। तो इसके साथ मेरे को ये कनेक्टर पहले से ही मिले थे। ये जो कनेक्टर होते हैं, एक यहाँ पे जाता है इसके, एंड ये वाला जाता है एम्पलीफायर में, ठीक है। ये मिलता ही ये वाली लीड आपको, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो भी आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ उसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ तो मतलब होती है मस्ट उसके लिए, जो पहला स्टेप है। दूसरा, अगर आपके पास, मेरा तो इलेक्ट्रो अकूस्टिक का, तो मेरे में इनबिल्ट जैक है इसका ऑलरेडी। अगर आपके पास कोई गिटार है जिसमें ये वाला जैक नहीं है, ठीक है, कनेक्टिविटी ये वाली नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल एक पिकअप ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है दिखने में, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पिकअप है गाइस, ठीक है। ये बड़ा ज़्यादा सस्ता आता है, एंड इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा गिटार है जिसमें कोई भी कनेक्टिविटी का हमें एम्पलीफायर से वो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नली लगाते हैं, एंड ये उसका एम्पलीफायर वाला जैक है, 6.3 mm वाला जो एम्पलीफायर में जाता है। ये पहला उसका स्टेप है कि ये जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रो अकूस्टिक का तो डायरेक्ट वो वाला आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का तो डायरेक्ट वो वाली तार होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप इसको यहाँ पे लगाओ इसके होल में, ठीक है। इसको फिट करते हैं हम, एंड ये वाला हम एम्पलीफायर में डालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम उसको लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमें उसका यूज़ क्या क्या आ सकता है। अब लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो फ़ायदा क्या क्या ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए गाइस, जो हमें चीज़ चाहिए वो है ये 6.3 mm टू 3.5 mm वाला कनेक्टर। अब ये मैंने लोकल दुकान से लिया, तो वहाँ मेरे को ये 30 रुपये का मिला, अमेज़ॉन से भी मिलता है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीपेस्ट पॉसिबल वे है टू कनेक्ट योर गिटार विद योर लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा कनेक्टर है जो एम्पलीफायर में लगने वाला है उसको हम लगा देंगे इसके पीछे, ठीक है। एक तो नेचुरल सी बात है वो वहीं पे जाएगा, और यहाँ पे गिटार के इधर, ठीक है। तो ये अब हम करेंगे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होगा एंड इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने इसको कर दिया अभी कनेक्ट। तो गाइज अभी ये कनेक्ट हो गया, एंड ये देखो बस इतना सा ही कनेक्शन है, ये यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, एंड ये उसमें गई है वहाँ से तार, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले खोलेंगे ऑडेसिटी, ठीक है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी आप यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, FL स्टूडियो या कोई और यूज़ करते हैं। ये जो माइक वाला साइन है, ये रिकॉर्डिंग का साइन होता है, यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। अभी ये उसको एज ए माइक्रोफोन ही हमने अटैच किया। अगर आपका कोई भी साउंड रिकॉर्डर में ऑप्शन होगा, हेडफोन्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, तो उसको माइक्रोफोन में जाके उसको टिक करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर ऐसे आपका नहीं आता है, बाय चांस आपका शो ही नहीं करता है ऑडेसिटी में कि नहीं हो रहा, एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना वो है ये वाला वर्चुअल एम्प वाला, यहाँ पे ही आपको पावर में दिखा देगा। देखो मैं मार रहा हूँ एंड लैपटॉप से आवाज़ आ रही है, वो लैपटॉप के स्पीकर से, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लेना, अगर नहीं होगा आपको वो नहीं दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कनेक्टर में प्रॉब्लम तो नहीं है, गिटार में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता देगा कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ये सिंपल सी चीज़ है, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात नहीं है, सिंपल आप उसको प्लग करना एंड वो हो जाएगा आसानी से। ये हुआ यहाँ पे एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्टेड, ठीक है। अभी हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, सपोज़ मैं कॉर्ड्स बजाना चाहता हूँ, अभी लैपटॉप डायरेक्ट उसमें गिटार अटैच हुई है, तो मैं कुछ भी बजाऊँगा वो डायरेक्ट उसमें ही चलेगा, ठीक है। सिंपल रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि आप अपने वोकल्स ट्राई कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं साथ में, क्योंकि अभी आवाज़ जो है यहाँ से जा रही है, ये कनेक्टेड है गिटार के साथ, हमारे जो हम बोल रहे हैं वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये कवर्स बनाने के काम आ सकता है, जो बैकग्राउंड में कॉर्ड बजते हैं, लीड बजती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज हमने कोई भी पहले सिंपल से कॉर्ड्स प्ले करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये हमने रिकॉर्ड किया। अभी सुनते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये है कि सब गिटार के साथ कनेक्टेड है, तो कोई शोर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, सब सही से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें एक दूसरी रिकॉर्डिंग करेंगे,
नीचे इसके एक और ट्रैक ऐड करेंगे इसके साथ ही। ये मैंने बिना मेट्रोनोम के बजाया, गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मेट्रोनोम के साथ ही बजाना जब भी करेंगे। हमने क्या किया कि दूसरा ट्रैक ऐड किया इसमें, ये हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट हमने रिकॉर्डिंग करने के लिए ऐड किया, क्योंकि अगर अभी मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा तो ये इसके आगे शुरू हो जाएगा और वो हमें नहीं करना, हमें इसके नीचे शुरू करना है। तो इसको जो हमने ट्रैक ऐड किया इसका पूरा हम रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि ये नीचे बस ये खाली जगह रहे, है ना, हमें खाली जगह मिल गई है इसके लिए। वो एडिटिंग है वो आपको खुद पता चल जाएगी क्या मैं बोल रहा हूँ। अब हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें लीड्स, हमें ऊपर वो मिल गया एंड इसमें ट्राई करते हैं लीड्स। ठीक है, अब हम इसकी वॉल्यूम कम कर देते हैं ऊपर वाले की, नीचे वाले की बढ़ा देते हैं, हम देखते हैं हमने कैसे किया था, वो हुआ भी है या नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी गाइस। हम अगर दो तीन ट्रैक मिक्स करना चाहें, अगर हम और एक ट्रैक मिक्स करना चाहें वो भी हम नीचे कर सकते हैं, आप मेट्रोनोम के साथ ही करना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो हम कवर्स करते हैं, बैकग्राउंड में कॉर्ड मिक्स करते हैं, लीड प्ले करते हैं, ये वाली चीज़ें बड़ी फायदेमंद होगी अगर हम ये कनेक्टर ले लें एंड अपना हमारा गिटार कनेक्ट हो जाए लैपटॉप के साथ, क्योंकि बड़े सारे लोगों के पास अच्छा माइक्रोफोन नहीं होगा एंड मोबाइल में अगर आपने करना होगा तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है आपको, पहले कॉर्ड करनी पड़ेंगी, फिर उनको मिलाना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे। तो अगर लैपटॉप है एंड डायरेक्ट उसमें हो रहा है इस कनेक्टर की वजह से तो वो सही रहेगा। ठीक है, एक बार ही हम पास इसको देख लेते हैं हमने क्या किया था, मैं आपको बता देता हूँ, दो ट्रैक थे कैसे कैसे हमने मिक्स किया था उनको। तो ये हमारा पहले वाला ट्रैक था गाइस, ठीक है, ये सब सब आवाज़ लैपटॉप से आ रही है जो हमने कॉर्ड्स प्ले किए थे। आप इनको एक डिसिप्लिन में प्ले करना, ठीक है, मेट्रोनोम के साथ, मैंने तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए प्ले किए, ठीक है। एंड देन ये नीचे था, इसको मैंने अभी म्यूट किया हुआ था, ये हमारा नीचे था जो हमने लीड प्ले की थी। फिर हम इफेक्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट हैं बड़े सारे, ये सारे कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हमारी लीड वाला पार्ट प्ले होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए बड़ा सही रहेगा ये, अगर आपको सिंपल MP3 ट्रैक बनाना है। इसमें और भी हम कर सकते हैं, सपोज़ मैंने एक और चीज़ मिक्स करनी है, तो अभी जब मैं रिकॉर्ड वाला बटन दबा रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड वाला बटन दबा रहा हूँ ना तो वो इनके आगे से रिकॉर्ड हो रहा है, आगे जाके, एंड मुझे आगे नहीं करना है, मुझे इनके मतलब साथ में ही करना है। तो मैं तभी एक और ट्रैक इधर ऐड किया बाहर से, इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया एंड ये एक और खाली जगह बन गई। अब अगर मैं रिकॉर्ड वाला बटन दबाऊंगा नीचे से शुरू होगा एंड यहाँ मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप से प्लकिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, कुछ भी कर सकता हूँ एंड सिंपल आपका एक ट्रैक बन जाएगा। एंड देन इसको लेके इसको मतलब सेव करके ऐसे यहाँ से सेव प्रोजेक्ट एज, यहाँ ये जो एक्सपोर्ट है ये वाला एक्सपोर्ट एज MP3, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, बस ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया, बाहर डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। एंड बाद में मैंने वोकल्स ऐड करने, उसमें कुछ भी ऐड करना, मैं गा भी सकता हूँ उसको लेके उसके साथ है, जो मर्जी आप उसको करना है, ऐसे हम ट्रैक्स बनाते हैं। तो सिंपल वे है गाइस, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, सबके पास लैपटॉप नहीं होता, अगर आपके पास फ़ोन है फ़ोन से यूज़ करें। मैं भी बड़े सारे फ़ोन में ही बनाता हूँ, हर बार मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता हूँ, बड़ी चीज़ें मैं अभी भी फ़ोन में ही करता हूँ। तो फ़ोन यूज़ करें, जो भी करना करें,
तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं समझ आया इससे रिलेटेड तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा उसका डेफिनेटली। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोज़ भी देखें, नए वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।